Welcome to World of Fashion and Designing. Fashion and designing is all about dreaming. So BNI5, fulfill your dreams and start making other people dream. International Institute of Fashion and Arts, one of the best designing institute of India, IFA. I am an IFA'd. Yes, I am an IFA'd. Design your future. देश और प्रदेश में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग कोस रहे हों, लेकिन आगरा नगर निगम चुनाव में भाजपा से युवा नगर निगम चुनाव में जोश और खरोंच के साथ जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं। वार्ड नंबर 24 से युवा पार्षद प्रत्याशी शैलू शर्मा ने चुनावी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कराया। उद्घाटन करने आए भाजपा शहर अध्यक्ष विजय सिवरे ने नगर निगम चुनाव में जीत का आंकड़ा बयां किया, साथ ही क्षेत्रीय जनता से वार्ड 24 के युवा पार्षद प्रत्याशी को वोट देकर विकास की राह में अपना योगदान देने की अपील की। भाजपा का एक फंडा सबका साथ सबका विकास, न अगड़ा होगा ना पिछड़ा होगा, ना जात होगी ना पंथ होगा, हम सब मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी की आगरा के महापौर नवीन जैन और वार्ड नंबर 24 शैलू पंडित को जिताने के लिए स्मार्ट सिटी घोषित हुई है, हमारी और पूरी जनता की जिम्मेदारी बन गई। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपने जीत कर जाएगा और शैलू पंडित वार्ड 24 के अंदर विकास की गंगा भागा, जी मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपको, और स्मार्ट सिटी के नाते आगरा के अंदर गुड डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जब स्मार्ट सिटी घोषित हो गई तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है, ईमानदार छवि का व्यक्तित्व हो और आगरा के विकास की बात करता हो, ऐसे नवीन जैन के महापौर और वार्ड नंबर 24 शैलू पंडित को जिताकर उसको विजयी बनाएं। भाजपा पार्षद प्रत्याशी शैलू शर्मा अपने वार्ड में जीतने के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। प्रत्याशी घोषित होने के बाद लगातार जनता से संपर्क साधे हुए हैं और जिताने की अपील कर रहे हैं। चुनाव प्रचार की बात करें तो आज पहले चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है विधिवत रूप से, और उद्घाटन के तत्पश्चात अब हम लोग पूरे वार्ड के अंतर्गत कोई भी घर ऐसा नहीं छोड़ेंगे, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ पर घर हम जाएंगे और ये विश्वास दिलाएंगे जनता को कि आप हम विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, और मैं सदन में बैठूंगा तो इस क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि यहां से जितनी भी भीषण समस्याएं हैं उनसे निजात दिलाऊंगा। पिछले 25 वर्षों से नगर निगम में भाजपा का राज रहा है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि नगर निकाय चुनाव 2017 में भाजपा अपना गढ़ बचाने में सफल हो पाती है या नहीं। 7A न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन चंदन सिंह के साथ अनिल चौधरी की रिपोर्ट।